वहीं मथुरा वृंदावन नगर निगम ने शहर को स्वच्छ बनाने और प्रतिबंधित पॉलिथीन के रोक के लिए जागरूकता अभियान चलाया। सरकार द्वारा प्लास्टिक पर लगाए गए प्रतिबंध को प्रभावी रूप से लागू करने और शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम ने हानिकारक पॉलिथीन की जगह बायो कैरी बैग उपयोग करने के निर्देश दिए। आपको बता दें, ये बायो कैरी बैग मकई के दाने से बने हुए हैं और पानी लगने के बाद आसानी से 3-4 दिन में अपने आप नष्ट हो जाता है। पूरे मथुरा वृंदावन के लिए आज लॉन्च किया है। हमारे जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी नगर निगम के जोनल ऑफिस हैं, मुख्य ऑफिस है, उससे इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। जो निर्धारित रेट है उससे ज्यादा आपको कहीं देने की जरूरत नहीं है, कम से कम रेट पे, सब्सिडाइज रेट पे आप उसको ले सकते हैं। ये जो बायो बैग है, ये 30 दिन के अंदर अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा और इसमें जो जितनी भी प्लास्टिक में जितनी भी उसके साथ में समस्याएं हैं, इसमें वो सारी समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास किया गया। वहीं एटा जिले के मलावन थाना क्षेत्र अकबरपुर गांव में करीब 5 दिन पहले हुई 58 वर्षीय वृद्ध की हत्या का मामला मलावन थाना पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। बता दें, पुलिस ने गिरफ्तार हत्यारों की निशानदेही पर मृतक वृद्ध के जूते भी बरामद किए। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को अकबर गांव के खेत में महेश पुत्र सौदान सिंह निवासी बहादुरपुर का शव नग्न अवस्था में पड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों के आधार पर गाँव के ही 2 नामजदों के विरुद्ध FIR दर्ज कर ली थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खेत में पड़ा हुआ है, इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची, सबको कब्जा पुलिस लिया गया तथा शिनाख्त कराई गई। सबकी शिनाख्त महेश चंद्र यादव निवासी बहादुरपुर के रूप में हुई। सबको कब्जा पुलिस लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया तथा वादी से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना पुलिस तथा सर्विलांस की मदद से उक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की तलाश की गई। आज घटना कारित करने वाले अजीत तथा गुल्लन की गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ के दौरान इन्होंने ये बताया कि हमसे अभद्र व्यवहार किया मृतक ने तथा जाति सूचक शब्द एवं अन्य गाली गलौज मारपीट की, इसी कारण मैंने घटना को अंजाम दिया। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम TV।